हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेरो सॉल्यूशनिस्ट। कैसे हो आप सभी लोग? गाइस, क्या हाल चाल है आप लोग सभी लोगों के? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? सुन पा रहे हो मुझे? हाउ आर यू गाइस? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज क्लास 10 बजे नहीं है, बल्कि 1 घंटे प्रायर हम लोग हैं। आज 9 बजे क्लास है, क्योंकि आज हम लोग कवर कर रहे हैं इस वक्त इंडिया में आया हुआ सबसे खतरनाक, हम कह सकते हैं इस वक्त का डेंजरस ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, है ना? तो आज हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में बात करेंगे, ताऊते के बारे में बात करेंगे। ताऊते के साथ साथ हम लोग कवर करेंगे क्या होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन को हमें पढ़ना चाहिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है ना? क्या जरूरत पड़ी हमें इस पे क्लास करने की? इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आज आप लोगों को इस क्लास में। जानेंगे हम लोग क्या है ताऊते साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम समझेंगे। तो हमेशा की तरह मैं अभिषेक कुमार झा आप सभी लोगों के सामने हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, जब तक सब लोग आ जाते हैं हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, एक डिप्रेशन जो कि धीरे धीरे अरेबियन सी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है नॉर्थ इंडिया के पास। कहाँ जा रहा है? नॉर्थ इंडिया के पास चला जा रहा है। ये डिप्रेशन बनना शुरू हुआ था अरेबियन सी के सेंटर से, और अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उड़ीसा के कोस्ट को हिट कर चुका है। इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है दिल्ली तक के रीजन में, मतलब जहां पर मैं इस वक्त हूँ, यहां से लेकर के नॉर्थ इंडिया तक का एरिया काफी बुरी तरीके से अफेक्टेड हो चुका है। समझने की कोशिश करते हैं क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक, ताऊते। ऑलराइट गाइस, तो ताऊते के बारे में समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आप सभी लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि हमारी क्लासेस ऐसे ही आपको यहाँ पर मिलती रहती है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे साइक्लोन ताऊते के बारे में। ठीक है, ताऊते जो है इसमें हमको समझना होगा कि ये इतना ज्यादा डिजास्ट्रस कैसे हो गया, है ना? इतना ज्यादा डिजास्ट्रस कैसे हो गया? दिल्ली में अभी भी बारिश हो रही है, आज पूरे दिन बारिश हुई है, कल रात से बारिश हो रही है, अभी तक बारिश हो रही है। ऐसे तो मॉनसून टाइम पे बारिश नहीं होता है दिल्ली में, जब मॉनसून होता है तब भी इतनी बारिश नहीं होती है, यहाँ तो 1 घंटे हो गया मुश्किल से बस। लेकिन इस ट्रॉपिकल साइक्लोन ने दिल्ली में इतने लंबे समय तक बारिश कराया। इंडिया के कोस्टल एरियाज अफेक्टेड हैं, स्पेशली कोस्टल स्टेट हो गए केरल। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन ताऊते से कौन सा कोस्ट अफेक्ट हुआ था, कौन सा नहीं हुआ था। ठीक है, तो केरला हो गया, केरला के बाद कर्नाटका हो गया, फिर गोवा हो गया, और महाराष्ट्र, और सबसे लास्ट में इसने गुजरात के कोस्ट को भी हिट किया है। तो इसका मतलब गुजरात भी इसमें ऐड हो जाएगा। सो कुल मिलाकर के 5 स्टेट इंडिया के बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं ताऊते साइक्लोन से। अब अक्सर करके एग्जाम में ये पूछा जाता है ना, अक्सर करके एग्जाम में ये पूछा जाता है आप सभी लोगों से कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये नाम कहाँ से आया, किसने दिया? तो ये वाला जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसका जो नाम आया है, इस ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो नेमिंग प्रोवाइड किया गया है, वो कंट्री म्यांमार का दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरा एम्फन साइक्लोन का वीडियो देखा होगा, जो कि मैंने जब बे ऑफ बंगाल में लास्ट अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया ने फेस किया था, अगर आपने उसे देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि हमारा जो प्रीवियस लिस्ट था, एम्फन वाज दी लास्ट नेम प्रोवाइडेड बाय दी 13 इंडियन ओशन कंट्रीज। एम्फन लास्ट था, और ताउते यहां पर आ चुका है म्यांमार के द्वारा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाईली वोकल लिजार्ड, जो कि बर्मीज लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, छिपकली। ठीक है, चलिए आज हम लोग टॉपिक पूरा करेंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है ना? आज टॉपिक पूरा करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग, ठीक है?
अब देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादातर अगर इंडिया में आते हैं तो ये बेसिकली नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन से जुड़े हुए हैं। कहाँ से जुड़े हुए हैं? नॉर्थ इंडियन ओशन से जुड़े हुए हैं। इंडियन ओशन के दो पार्ट हैं, एक ट्रॉपिक जो इक्वेटर है उसके साउथ में इंडियन ओशन है और दूसरा उसके नॉर्थ में है। तो यहां पर जो इंडियन ओशन की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल वाला इंडियन ओशन है और अरेबियन सी वाला इंडियन ओशन है। और ये जो ताउते आप देख रहे हो इस वक्त, ये कहां पर आया हुआ है? अरेबियन सी में आया हुआ है। ठीक है ना? अरे मैं लाइव हूं भाई, कुछ लोग कह रहे हैं सर आइए 10 मिनट बीत चुका है, मैं तो लाइव हूं, मैं तो 10 मिनट पढ़ा भी चुका हूं। अब देखो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी इस तरीके के मॉनसून को रिसीव करते हैं, मतलब प्री मॉनसून शावर रिसीव करते हैं, साइक्लोन टाइप का इसका कंडीशंस क्यों हो जाता है? इनको हम कहते हैं प्री मॉनसून कंडीशंस। क्या बोलते हैं? प्री मॉनसून कंडीशंस, जो कि अप्रैल से जून में हमें देखने को मिलता है, और फिर एक पोस्ट मॉनसून पीरियड भी होता है जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। ठीक है, कब से कब तक होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। गाइस देख सके, रुक जाना। ठीक है, ओके, ये डेट्स याद रखिए। ऐसा क्यों होता है? इसके होने के पीछे के जो कारण है वो है हीट। ठीक है, हीट यानी कि एक बढ़ता हुआ इंसुलेशन, लगातार जो हीट बढ़ता रहता है ना? मेरी बात को सुनिए ध्यान से आप सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का मैटर नहीं है, एक स्टूडेंट के लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये जो मॉनसून होते हैं ये बेसिकली मई, मतलब ये जो साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं ये मई जून अक्टूबर नवंबर तक देखने को मिलते हैं। और ये मई जून मंथ में और अक्टूबर नवंबर में ही क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि इसी टाइम पे आपको पता है इंडिया में समर सीजन स्टार्ट होता है और एंड भी होता है। जब स्टार्ट होता है मई जून में तब हमें ये साइक्लोन देखने को मिलता है, जब एंड होता है अक्टूबर नवंबर में तब हमें ये देखने को मिलता है। तो दो कंडीशंस होती हैं यहाँ पर। ये बात समझ में आई क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्थ इंडियन ओशन को हीट कर रहे हैं? अभी हम समझेंगे और डिटेल में, स्पेशली अरेबियन ओशन के कॉन्टेक्स्ट में। नाउ अब इसको आईएमडी ने, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने किस कैटेगरी में रखा हुआ है? यू नो दैट कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरी होती है, कैटेगरी ऑन विच बेसिस? कैटेगरी होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो विंड्स होती हैं, जो हवाएं होती हैं, उनकी जो गति होती है यानी उनकी जो स्पीड होती है उसके बेस पे हम डिवाइड करते हैं साइक्लोन को, है ना? कैसे करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो साइक्लोन है ताउते, इसको पहले वेरी सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा गया था, लेकिन मतलब सॉरी, पहले इसको एक्सट्रीमली सेवियर साइक्लोनिक कंडीशन कहा गया था और बाद में इसको कहा गया, इसकी स्पीड कम होने लगी तो इसको कहा गया वेरी सीवियर, मतलब एक्सट्रीम से एक लेवल नीचे हम आ गए। अब ये डिवीजन किसने किया हुआ है? ये डिवीजन आईएमडी का है, इंडियन या इंडिया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है ये। ठीक है, अब ये कैसे होता है? मैक्सिमम सरफेस विंड स्पीड के अकॉर्डिंगली हम इसे डिवाइड करते हैं। नाउ अब आपको बताऊंगा मैं कि कैसे हम समझते हैं कैटेगरी वाइज कौन सा विंड स्पीड किस कैटेगरी में जाएगा। आप लोगों को ध्यान होगा 1999 और एक स्टेट याद होगा आप लोगों को, उड़ीसा याद होगा, ऑफ कोर्स याद होगा। उड़ीसा में क्या आया था? उड़ीसा में क्या आया था? सुपर साइक्लोन आया था। क्या आया था? सुपर साइक्लोन। और ये सुपर साइक्लोन की जो स्पीड थी वो 221 किलोमीटर पर आर, 221 किलोमीटर पर आर, इतने या इसके ऊपर तक की स्पीड होती है। जब ये अपनी इस विंड स्पीड को मेंटेन करती हैं कितने समय के लिए? अगर 3 मिनट ऑन एन एवरेज ये अपने इस स्पीड को मेंटेन कर ले जाती हैं, हाउ मच टाइम? टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहेंगे कि पूरे दिन क्या इतनी स्पीड से कोई विंड चल सकती है, कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन चल सकता है क्या? नॉट पॉसिबल।
क्योंकि विंड वीक भी होती है स्ट्रांग भी होती है, तो जब वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो उसका पीक टाइम होगा, और उसी पीक टाइम पे उसका ड्यूरेशन मिनिमम 3 मिनट एवरेज होना चाहिए। सुपर साइक्लोन होगा जब 221 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो चल रहा होगा, ठीक है, और इसके ऊपर कोई विंड की स्पीड नहीं होती है। सुपर साइक्लोन इंडिया में एक बार हिट हुआ है उड़ीसा कोस्ट पर, ठीक है। फिर ये वाली जो कैटेगरी है एक्सट्रीमली सेवियर कंडीशन में, तो इसमें 166 से 220 किलोमीटर पर आर की स्पीड, ये आईएमडी का डिवीजन है, ठीक है, इंडियन मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये डिवीजन है, ठीक है। अब अगर इसको हम समझे तो वेरी सीवियर किस कंडीशन में आएगा, कौन सी स्पीड होगी, तो वेरी सीवियर के लिए 118 टू 165, और यहीं पर आता है ताऊते, ठीक है, यहीं पर आता है ताऊते, और इस ताऊते की स्पीड कितनी चल रही है, वेरी सीवियर साइक्लोनिक कंडीशन में है। फिर सेवियर साइक्लोनिक कंडीशन होता है 89 टू 117 किलोमीटर पर आर की स्पीड, साइक्लोन स्टॉर्म होता है तो 63 टू 88 किलोमीटर पर आर, डीप डिप्रेशन होता है तो 51 टू 62 किलोमीटर पर आर, जबकि डिप्रेशन होगा तो 31 टू 50 किलोमीटर पर आर, यानी कि 31 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही होंगी। सोचिए इतनी स्पीड से गाड़ियां नहीं चलती हैं, कैन यू इमेजिन, आपकी मोटर बाइक अगर 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड पकड़ लेती है तो क्या होता है, वो हिलने लगता है। आपकी कार अगर 150 किलोमीटर के स्पीड से चलने लगे तो कार के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। सोचो अगर इतने स्पीड से विंड चल रही हो तो क्या हालात होंगे, देखा होगा आप लोगों ने रोड्स पे किस तरीके से एक्सीडेंट होते हैं, उतने स्पीड से, इतनी स्पीड से विंड चल रही होती है। तो ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सो आप लोग को ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद समझेंगे हम कि ये डेवलप्ड हुआ अरेबियन सी में, वाई, क्या कारण था इसका, अरेबियन सी में ही क्यों डेवलप हुआ, कहीं और क्यों नहीं डेवलप हुआ। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां पर ये ज्यादातर डेवलप्ड होने के कारण क्यों हुए, ताऊते जो है ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चौथा साइक्लोन है जो कि आपको इस अरेबियन सी में देखने को मिल रहा है, प्री मॉनसून पीरियड में, अप्रैल से जून के टाइम में देखने को मिल रहा है, 2018 में, ठीक है, मेकानू आया था जो कि ओमान को, मतलब ओमान ने इसको एक तरीके से उस रीजन को इसने हिट किया था, ओमान का रीजन ये हो गया, ठीक है। फिर साइक्लोन वायु आया था, गुजरात कोस्ट से हिट किया था 2019 में। फिर साइक्लोन निसर्ग आया था जिसने 2020 में महाराष्ट्र को हिट किया था। नाउ 2018 से लेकर के 2020 तक या 2021 तक जितने भी साइक्लोन आए हुए हैं उन सभी को किस कैटेगरी में रखा गया है, सीवियर साइक्लोन। इसका मतलब कि कंडीशंस पहले से काफी वर्स्ट होती चली जा रही है, काफी खराब होती चली जा रही है। अब आप देख रहे होंगे ये है अपना अरेबियन सी, ठीक है, ये हो रहा है कि अपना अरेबियन सी कुछ यहां से होकर के जा रही है इक्वेटर की लाइन, ठीक है, ये इक्वेटर जा रहा है यहां से, ये हो गया नॉर्थ इंडियन ओशन और ये हो गया साउथ इंडियन ओशन, इसी में आपको अरेबियन सी देखने को मिल रहा है। नाउ कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है कि क्यों ये अरेबियन सी में ही डेवलप हो रहा है, लेट्स डिस्कवर द कॉन्सेप्ट। अब देखो अरेबियन सी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये लगातार साइक्लोन के लिए एक फेवरेबल स्पॉट बनता चला जा रहा है, आप सभी लोग अपने अपने उसको कर लीजिए, अपने अपने जो वीडियो का रिजोल्यूशन है वो सही कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें समझना होगा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन ये वाला है ताऊते, ये बेसिकली ऐसा हमें देखने को मिला है कि पहले के टाइम पे बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन आते थे। बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन आने का कारण क्या था कि बे ऑफ बंगाल में आपको दो तीन चीजें काफी रिस्पॉन्सिबल है, एक तो उसका एरिया काफी स्मॉल है तो वो जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है,
इसके अलावा वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को प्रोवाइड करता है साइक्लोन के लिए। और क्या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं? कि जो फ्रेश वाटर यहाँ पर मेल्ट होते हैं तो वो बहुत ही तेजी से, जब बहुत ज्यादा सैलिनिटी वहां पर रिमेन रह जाता है आफ्टर द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर सर्फेस, तो क्या होता है कि हाई सलाइन वाटर नीचे की तरफ चला जाता है, तो इससे सरफेस पे इवेपोरेशन लगातार बना रहता है। तो अगर फ्रेश वाटर रहेगा तो इवेपोरेशन का रेट काफी तेजी से होगा और वहां पर आसपास के रीजन में जो सेचुरेशन का लेवल होगा एटमोसफेयर में लगातार बना रहेगा। लेकिन अरेबियन सी में ये चीजें क्या हो रही हैं? तो अरेबियन सी को अगर हम देखें तो लगातार यहाँ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, सरफेस टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आप लोग को पता होगा कि जो ये अपना इक्वेटर है, यहां से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो करके नॉर्थ की तरफ मूव कर जाती है और साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या होती है? साउथ की तरफ मूव कर जाती है। ये इक्वेटोरियल करंट भी वार्म करंट होती हैं। क्या होती हैं? वार्म ओशनिक करंट होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर इक्वेटर होने के कारण भी लगातार यहाँ का सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, लगातार इसका सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये तो नेचुरल है। एक तो ITCZ भी रिस्पॉन्सिबल है, यू नो दैट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो कि हर साल एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जाता है, फिर उसके ऊपर जाता है तिब्बतन प्लेट्यू तक, फिर वापस भी रिटर्न होता है। वो इस पूरे प्रोसीजर में अरेबियन सी से होकर के काफी ज्यादा इंसुलेशन पास आउट होता है। अब इस हाई वॉल्यूम ऑफ हम इंसुलेशन को अगर देखें तो इस कारण से हमें क्या देखने को मिलता है कि ये सी सरफेस काफी तेजी से गर्म होता है। एक हो गया कारण इसका नेचुरल, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से आपको पता है कि जो रीजंस पहले से गर्म थे वो और भी ज्यादा गर्म होते चले जा रहे हैं। इनके गर्म होने के कारण ही उस आसपास के जो लैंड एरियाज है यहाँ पर भी टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अब समझिए आप, यहाँ पर अगर टेम्परेचर ज्यादा है लैंड मासेस पे, तो जाहिर सी बात है कि वाटर बॉडीज भी उतनी ही तेजी से गर्म होंगी, क्योंकि कोस्टल एरिया का इम्पैक्ट होता है टेम्परेचर के ऊपर। एग्जैक्टली वैसे ही यमन ओमान के आसपास का रीजन आप देखोगे, ये गर्म होगा तो आसपास का वाटर बॉडी भी गर्म करेगा। सोमालिया, केन्या, इथोपिया का रीजन भी गर्म होगा, तो उसी के इम्पैक्ट से ये वाले रीजन भी गर्म होंगे। देन हाउ, ये कैसे पॉसिबल है? आंसर कर सकते हैं आप लोग? चलिए बताइए, मैं बताता हूँ क्यों गर्म होंगे। क्योंकि आपको पता है दो तरीके के ब्रीज चलते हैं, जिसे हिंदी में समीर कहा जाता है, ठीक है। एक होता है लैंड ब्रीज, दूसरा होता है सी ब्रीज। सी ब्रीज कब होगा? जब सी से हवाएं कोस्ट की तरफ चलती हैं। लैंड ब्रीज कब होगा? जब लैंड से हवाएं कोस्ट की तरफ यानी ओशन की तरफ चलती हैं। तो जब लैंड गर्म होगा तो उसके साथ गर्म हवाएं जाएंगी यहां पर, और सी जब ठंडा होगा तो उसके साथ ठंडी हवाएं जाएंगी। लेकिन रिलेटिवली वो इतना ठंडा नहीं होता है जिसके वजह से कि इसका टेम्परेचर डाउन हो सके। तो लैंड मासेस क्या करती हैं? वापस से इसको गर्म कर रही होती हैं। तो जितना ज्यादा लैंड मास गर्म होगा, जितना ज्यादा हीट होगा, उतना ही तेजी से सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ेगा। एंड दैट्स वाई हम जिस सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय उष्मन के कारण। तो सी सरफेस टेम्परेचर जो है किसका? अरेबियन सी का। कितना बढ़ गया है? 1.2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो गया है, है ना, पास्ट 40 इयर्स में। कितना हो गया है? पास्ट 40 इयर्स में 1.2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। अब इतना टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन बनेंगी। क्या है प्री एग्जिस्टिंग conditions? अब समझते हैं हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करें जो कि ताउते से रिलेटेड है, अब ताउते को अगर हम देखें तो ये रीजन आप देख रहे होंगे सभी लोग, ताउते अगर यहाँ से ओरिजिनेट हुआ तो वो आगे बढ़ते हुए केरला कोस्ट, कर्नाटका कोस्ट, गोवा कोस्ट, महाराष्ट्र कोस्ट, गुजरात कोस्ट तक पहुँच चुका है। Now the question is, क्या ये ट्रॉपिकल साइक्लोन गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए, पंजाब होते हुए कहीं और नहीं पहुंच सकता था?
जाहिर सी बात है आप लोगों को एक चीज समझना होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होती है इनकी जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पर होती है? सी सरफेस पे, ठीक है, सी सरफेस पे होती है। कैसे होती है? क्योंकि यहां पर कोई बैरियर नहीं होता है, एकदम एक समान आराम से मूव कर रहे होते हैं, जीरो फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन, लेकिन बहुत कम होता है। तो जैसे ये कोस्टल एरिया को हिट करते हैं वैसे ही यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्सेस हर्डल्स काम करने लग जाते हैं, तो इनकी स्पीड क्या होती है? स्लो डाउन हो जाती है। अगर इनकी स्पीड मेंटेन रहे तो ये इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में भी उतनी ही तबाही मचाएं जितनी कि कोस्टल एरिया में करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कोई पूछ रहा है? चलो मैं बताता हूं, सिली सिली क्वेश्चन है गाइस। अगर आप नॉन ज्योग्राफी स्टूडेंट है यू शुड नो अबाउट दैट ऑल द टाइम वेयर इज द हाई प्रेशर एंड वेयर इज द लो प्रेशर। बताओ लो प्रेशर होगा वाटर बॉडी पे कि हाई प्रेशर होगा वाटर बॉडी पे, और लो प्रेशर होगा लैंड मास पे कि हाई प्रेशर होगा लैंड मास पे? यू शुड अवेयर। चलिए आप लेट से ज्वाइन करेंगे तो कैसे पता चलेगा? म्यांमार ने रखा है। ऑफ कोर्स वाटर बॉडी का कल वाला क्लास भूल गए आप लोग? कल वाले क्लास में बताया था ना, कल वाले क्लास में, कि वाटर बॉडी हमेशा लेट से गर्म होते हैं और लेट से ठंडे होते हैं, लेट वार्मिंग एंड लेट कूलिंग। दैट्स वाई ये हाई प्रेशर रहेंगे रिलेटिवली, जो लैंड एरियाज है ये लो प्रेशर एक्सपीरियंस करेंगे। तो साइक्लोन किधर की तरफ चलेगा? हवा किधर जाता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यही तो है इसका मैकेनिज्म, यही है ना, ऐसे ही भागता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आया समझ में? तो अब समझते हैं हम अगला स्टेप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। ओके, अब देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन को ट्रॉपिकल ही क्यों कहा जाता है? व्हाई? क्योंकि इनका जो रीजन है वो ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ठीक है, मकर रेखा है, तो इसलिए ज्यादातर ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो ट्रॉपिकल शब्द है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, एंड दिस वन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस रीजन में आने वाले साइक्लोन को हम ट्रॉपिकल कहते हैं, दैट्स इट, सिंपल। एक और तरीके का साइक्लोन आता है जो हमें देखने को मिलता है टेम्परेट रीजन में, तो इसलिए हम इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक दूसरे रीजन से बिलोंग करता है, तो इसे हम कहेंगे टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको? आ रहा है समझ में? चलिए अगर समझ में आ रहा हो तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो ये हो गया ट्रॉपिक्स का रीजन। इसके अलावा एक और साइक्लोन होता है जिसे हम एंटी साइक्लोन कहते हैं। कहते हैं जो ये दोनों साइक्लोन हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन, इनके सेंटर में लो प्रेशर होता है ऑलवेज। क्या होता है? हमेशा क्या होता है? लो प्रेशर होता है, जबकि एंटी साइक्लोन के सेंटर में क्या होता है? ऑलवेज हाई प्रेशर, उच्च दाब यहां और निम्न दाब यहां। इसका मतलब क्या होता है? जब लो प्रेशर होगा तो
तो हवाएं बाहर से केंद्र की तरफ, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ मूव करती हैं इन दी लो प्रेशर सिस्टम, जबकि हाई प्रेशर सिस्टम में विंड्स जो होता है वो सेंटर से बाहर की तरफ मूव करता है। सो दिस इज कॉल्ड दी एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात कहते हैं इसे, है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से हमें समझना है ट्रॉपिकल साइक्लोन को। पिक्चर अभी बाकी है, अभी हम समझेंगे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है ट्रॉपिकल साइक्लोन के, किस नाम से बुलाते हैं, कौन से ओशंस हैं। इसके अलावा हम समझेंगे कि मेच्योर स्टेज ऑफ साइक्लोन क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। व्हाट इज आई एंड व्हाट इज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, और विच क्लाउड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन द स्टॉर्म। नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, कौन नाम रखता है, जैसे हमारे नाम रिलेटिव रख के चले जाते हैं, है ना, मम्मी पापा रख देते हैं, है ना, कोई भी रख देता है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी एक रिलेशन बना हुआ है कंट्रीज का, वो मिल करके नामकरण करते हैं। तो ऐसे कई सारे कंट्री हैं। ये लास्ट लिस्ट था जिसमें कुछ हमारे जो एशियन नेशन है, मतलब साउथ और ईस्ट एशियन नेशन, उन्होंने रखा था। ये लिस्ट रिसेंटली खत्म हो गई एम्फन तक, ये वाली लिस्ट है अपनी जो न्यू चल रही है, ठीक है, कवर करेंगे इसको अच्छे से। तो पिक्चर अभी बाकी है, वेट करिए, इंतजार करिए। अब समझेंगे हम यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, ठीक है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इनका रीजन तो हमने देख लिया, ये रीजन हो गया इनका। अब ये यहीं पर ओरिजिनेट होती हैं, इसलिए कोस्टल एरियाज, सी पर ओरिजिनेट होने के कारण कोस्टल एरियाज को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और इस कारण से हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। कई बार एग्जाम में इनका डायरेक्शन पूछा हुआ है कि जो ये साइक्लोनिक विंड होती हैं इनका मूवमेंट कैसे होता है, यानी कि ये घूमती कैसे हैं, है ना, चक्कर कैसे खाती हैं, राइट हैंड साइड से कि लेफ्ट हैंड साइड से। तो जिस हैंड साइड से ये शुरुआत करेंगी हम उन्हें शुरू करते हैं वैसे ही। तो हमने ग्लोब को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, एक हो गया अपना ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, दूसरा हो गया साउथ हेमिस्फीयर। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कहा जाता है कि वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती हैं और साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती हैं, यहां पर आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चलती हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखो ये क्लॉकवाइज है इन दी साउथ हेमिस्फीयर, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में ये कैसे चलेंगी, घड़ी की सुइयों के अनुरूप चलेंगी, ये हमें ध्यान रखना है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कोरियोलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए, कोरियोलिस बल, जिसके कारण से विंड जो होती हैं वो स्ट्रेट नहीं चलती हैं बल्कि अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेट हो जाती हैं। तो व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स इज अ डिफ्लेटिंग फोर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ ये कैसे ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेटेड बाय दी ओरिजिन ओरिजिनेटेड बाय दी जो अपना अर्थ है, हमारे अर्थ के घूमने के कारण हुआ है, ठीक है, अर्थ के रोटेशन के कारण हुआ है। ग्लोब, मतलब अगर मैं अर्थ को घुमाऊं ग्लोब पे, ठीक है, तो वो जो फोर्स जनरेट होगा वही होता है डिफ्लेक्शनल फोर्सेस। अब यहां पर समझ लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के, ये क्वेश्चंस भी खूब पूछेंगे एग्जाम में। तो कोरियोलिस फोर्स को समझने के बाद हम समझेंगे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन फॉर दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इनके लिए जो चाहिए वो सबसे पहले देखिए लार्ज सी सरफेस एरिया होना चाहिए। देखो यहां पर अरेबियन सी है, लार्ज सी सरफेस एरिया। क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन पर्शियन गल्फ में क्यों नहीं आता, वाई क्यों नहीं आता भाई, रेड सी में क्यों नहीं आता है, ठीक है, यहां पर क्यों नहीं पहुंचता है ये अपने गल्फ ऑफ कैम्बे में क्यों नहीं आता है, वाई क्या रीजन है, क्योंकि ये स्मॉल है, क्या है, ये स्मॉल एरिया है और स्मॉल एरिया में बहुत बड़ा डिप्रेशन क्रिएट नहीं हो सकता, टेम्परेचर वेरिएशन नहीं मिल सकता, एंड दैट्स वाई ये एक बड़ा लार्ज एरिया होना चाहिए। नंबर वन, हैविंग द टेम्परेचर हायर देन दी 27 डिग्री सेल्सियस, ये आइडियल कंडीशन है, कितना होना चाहिए, आइडियल कंडीशन है। अगर आप आइडियल कंडीशंस की बात करोगे
तो आइडियल कंडीशंस में क्या हम देखते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको मेरी तरफ से, क्योंकि मेरा इंटरनेट तो ठीक ठाक चल रहा है अब, है ना, फाइबर लगने के बाद से। तो नंबर वन कंडीशन क्या हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस एंड देयर इज लार्ज सी सरफेस। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, सोचिए आप, कुछ नहीं हो सकता। कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो ये जो हवाएं चल रही है ना, ये नहीं देखने को मिलेंगी आपको, उस कारण से हमें काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए कोरियोलिस फोर्स जब होगा तो ही साइक्लोनिक वॉर्टेक्स बन सकते हैं। व्हाट इज वॉर्टेक्स? वॉर्टेक्स होता है कुछ इस तरीके की एग्जिस्टिंग कंडीशंस, ठीक है, इस तरीके की एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती हैं, जैसे कि पोलर वॉर्टेक्स होता है वैसे ही साइक्लोनिक वॉर्टेक्स भी होता है। तो नंबर टू हो गया कोरियोलिस फोर्स। नंबर थ्री क्या हो गया, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। वर्टिकल जो विंड स्पीड है इनमें वेरिएशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर वेरिएशन ज्यादा होगा तो विंड्स आपस में एक साथ गैदर नहीं हो पाएंगी और वो एक साथ ऊपर की तरफ नहीं उठ सकती। तो जो विंड ऊपर की तरफ उठ रही हैं उनमें टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन, प्रेशर में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। अगर किसी का प्रेशर, मान लीजिए किसी का प्रेशर अगर लाइक 800 मिली बार है तो आसपास आपको 790 ही देखने को मिले। ऐसा नहीं हो कि वो 900 पे पहुंच जाए, 1000 पे पहुंच जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं, एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होता है। क्यों ऐसा होता है, इंटेंस हीटिंग के कारण, यानी जब बहुत ज्यादा तापमान पड़ता है। देखिए जब यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा रिसीव होगा, टेम्परेचर सॉरी इंसुलेशन बहुत रिसीव होगा, तो इंसुलेशन हाई रिसीव होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण इस यहाँ पर आपको एक लो प्रेशर जैसा एरिया डेवलप होगा। अब ये लो प्रेशर इतना भी नहीं होगा जितना कि लैंड पर देखने को मिले, ठीक है। है ना, समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? ना ना, सैलिनिटी कभी भी, सैलिनिटी कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता किसके लिए, साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। सैलिनिटी कहाँ इंपॉर्टेंट है, जो ओशन करंट होती हैं, समुद्री तरंगे होती हैं, उनके लिए जरूरी होता है। यहाँ पे क्या काम है इसका, कोई काम नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपर डाइवर्जेंस एयर। अपर डाइवर्जेंस एयर एबव द सी लेवल सिस्टम, यानी हवाएं जो होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती रहनी चाहिए। और हवाएं ऊपर की तरफ कैसे जाएंगी, अपर एयर सर्कुलेशन कैसे देखने को मिलेगा, बताइए जरा क्या होगा अरेबियन सी के आसपास, कौन बताएगा, कौन बताएगा? देखो मैं बताता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर ITCZ पास कर रहा होता है, कहां पर, ट्रॉपिक्स जोन में। इस कारण से यहाँ पर पाया जाता है एक सेल जिसे हम हैडली सेल कहते हैं। हैडली सेल इज नोन फॉर इट्स लो प्रेशर सिस्टम, ऑलवेज रिमेम्बर, दैट्स व्हाई दिस इज द ट्रॉपिक्स। क्या करना है आपको, क्या ध्यान रखना है, ये हैडली सेल है जिस कारण से यहाँ पर लो प्रेशर रहता है, एंड दैट्स व्हाई अपर डाइवर्जेंस, हवाएं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही होती हैं। एंड देन एयर कहां पर जा करके सेटल डाउन होती है, एट दी हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ, 30 to 35 डिग्री, हाई प्रेशर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। आई बात समझ में? तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए प्री एग्जिस्टिंग, पहले से प्रतिस्थापित है ना, ये कंडीशन आवश्यक दशाएं हैं। ये नहीं होगा तो ये बन नहीं पाएगा। जैसे अगर मेरी YouTube क्लास करनी है आपको, तो आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए, एक मोबाइल फोन होना चाहिए और एक नोटबुक होना चाहिए जिसपे कि आप नोट कर सकें, तभी तो फायदा होगा ये क्लास करने का, नहीं तो कहानी बैठ के सुन रहे हैं। और बताइए कैसे आना हुआ,
कहानी नहीं सुनना है, नोट भी करना है, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अब करते हैं हम इसका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए फटाफट कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, पेन भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। चलो देखो, है ना, अब यहां पर देखो डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये है अपना एटलांटिक ओशन, ठीक है, ये है अपना इंडियन ओशन, एंड दिस इज द पैसिफिक ओशन, दिस इज द पैसिफिक ओशन, ओके। अब यहां पर समझते हैं कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इनके नेमिंग जो है, यहां पर आपको साइक्लोन देखने को मिल रहा है, कहां पर, इंडियन ओशन के आसपास नॉर्थ में, यानी कि बे ऑफ बंगाल के बाद अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। टाइफून देखने को मिलेगा साउथ ईस्ट एशिया के आसपास, यानी जो साउथ चाइना सी है यहां पर टाइफून, फिलीपींस के आसपास टाइफून देखने को मिलेगा। इसी को विली विली कहा जाता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोस्ट के आसपास विली विली कहा जाता है, और यही हरिकेन में कन्वर्ट हो जाता है नॉर्थ एटलांटिक ओशन में, नियर टू द गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो बस यही चीज है डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कमिंग टू दी मेच्योरिटी स्टेज ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन का मेच्योरिटी स्टेज क्या होता है भाई? देखो साइक्लोन जब धीरे धीरे बड़ा होता है, आपकी तरह जैसे आप बड़े हो गए हो वैसे साइक्लोन भी बड़ा होता है, डिप्रेशन और स्ट्रांग हो जाएगा, तो डिप्रेशन जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे क्लाउड बहुत दूर तक फैलते चले जाएंगे, तो क्लाउड में भी क्या होता है, वेरिएशन होता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के आई के पास, आंख के पास, चक्षु के पास जो वॉल होती है वो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड की होती है, और जहां सबसे ज्यादा घनघोर घटा वृष्टि होती है, मतलब खूब बम्पर बारिश होती है, खूब बारिश होती है, क्यों, क्योंकि क्यूमुलो निम्बस क्लाउड जाने जाते हैं अपने वर्षा के लिए, इसके लिए वर्षा के लिए जाने जाते हैं, है ना। जबकि इससे जैसे जैसे हम पेरिफेरी की तरफ जाएंगे, क्लाउड और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल में कमी होती चली जाएगी, फिर आप देखोगे निम्बो स्ट्रेटस देखने को मिलेगा, फिर कुमुलस देखने को मिलेगा, फिर सीरो स्ट्रेटस देखने को मिलेगा, फिर सीरस देखने को मिलेगा। इसका मतलब सबसे नियरेस्ट सेंटर के आसपास क्यूमुलो निम्बस होता है, जो कि इसकी वॉल को बनाता है, वॉल जिसको कहते हैं, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, मैक्सिमम रेनफॉल होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के वॉल के पास, मैक्सिमम, ओके। एंड आई के आसपास विंड की स्पीड 0 होती है, शून्य होती है, क्योंकि विंड इसके सेंटर से नहीं बल्कि दीवारों से होकर के ऊपर की तरफ जा रही होती है, इसलिए कहते हैं कि जो आई होता है यहां पर ना तो रेन होता है और ना ही बहुत ज्यादा विंड की स्पीड होती है, दोनों ही एब्सेंट होता है। अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है तो अभी क्लास के बाद आप, ठीक है, वॉशरूम जाना, वहां पर एक बकेट लेना और बकेट में हाफ वाटर भरना और फिर उसको अपने हाथों से ऐसे ऐसे घुमाना। आप जैसे ही ऐसे ऐसे घुमाओगे वाटर को, आप देखोगे कि बकेट के बीचों बीच पानी जो बना हुआ रहेगा वो एक वैकेंट एरिया बन जाएगा, एक फ्यूनल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, कीपाकार स्ट्रक्चर, जिसके सेंटर में वाटर गायब हो जाएगा। यू कैन सी द बॉटम ऑफ दी बकेट और किनारे की तरफ उसकी स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विथ योर ओन हैंड, विथ योर ओन बकेट इन योर ओन वॉशरूम, ऑलराइट। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नेम कौन देता है, नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, नामकरण, है ना। शावरिंग क्लाउड भी कहते हैं, यस यस यस, पेरू करंट और हम्बोल्ट करंट दोनों एक ही है बच्चा, अलग अलग नहीं है, पेरू भी और हम्बोल्ट भी दोनों एक ही है। हम्बोल्ट ने पेरू को ढूंढा था
पेरू करंट को, इसलिए उनके ऑनर में, उनके सम्मान में उसको हम्बोल्ट कोल्ड करंट कहा जाता है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो सुना ही होगा, सुना है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अपनी गाइडलाइंस रिलीज करती रहती है टाइम टू टाइम पे साइक्लोन्स के लिए। बहुत पहले के टाइम पे साइक्लोन के नाम अजीबोगरीब नाम, जैसे जो बहुत ही नटोरियस लोग होते थे, बदमाश लोग होते थे, डाकू लोग होते थे ना, चोरी करते थे, उन लोगों के नाम पे रखा जाता था। लेकिन बाद के टाइम पे जब WMO आ गया तो उसने क्या किया, उसने नामकरण किया, कहा कि भाई हर कंट्री, हर जो कोस्टल एरियाज होंगे वो अपने अपने अकॉर्डिंगली अपने एरिया के साइक्लोन का नाम देंगे। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कितने कंट्री हैं। तो हमने देखा कि हमारे नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में, जो कि बे ऑफ बंगाल से कंट्री लगते हैं और अरेबियन सी से लगते हैं, ऐसे कुल 13 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया। कितने? 13 कंट्री को आइडेंटिफाई किया गया और उन कंट्री ने मिल करके कुछ नाम वगैरह सजेस्ट किए हैं। ये सबसे पहले 2000 में बना था, फिर बाद में इसमें कुछ कंट्री ऐड होते चले गए, तो 2004 में इनमें 13 मेंबर आकर के बन जाते हैं। अब ये 13 मेंबर जो नॉर्थ इंडियन ओशन में रहते हैं, कोस्ट लगता है, वो नामकरण करते हैं। ये वो लिस्ट है जो बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड ने दिया था। ठीक है, सिर्फ 8 कंट्रीज थे। इनमें से आप देख रहे होंगे कुछ बहुत फेमस नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना, आप लोगों ने कुछ बहुत फेमस नेम सुने रहे होंगे, जैसे कि नरगिस का नाम सुना रहा होगा, है ना, बिजली का नाम सुना रहा होगा, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना रहा होगा लैला का नाम सुना रहा होगा, ठीक है, आपने नाम सुना रहा होगा नीलम का, है ना, फेलिन का नाम सुना रहा होगा, हेलेन का नाम सुना रहा होगा, लहर का नाम सुना रहा होगा आप लोगों ने, हुदहुद का नाम, नीलोफर का नाम सुना रहा होगा, ठीक है, और कुछ फेमस थे, वर्दा का नाम सुना रहा होगा, ठीक है, ओखी 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 का भी नाम सुना रहा होगा, ठीक है, फिर आप लोगों ने तितली का नाम सुना रहा होगा, फानी का नाम सुना रहा होगा, ठीक है, फानी के बाद आप लोगों ने अम्फन का नाम सुना रहा होगा, जो कि काफी फेमस हुआ था, ये आपके बे ऑफ बंगाल में आया था, है ना, लास्ट ईयर आया था अम्फन। ये लिस्ट खत्म हो गई, ठीक है, ओनिल से नाम शुरू होता है, अम्फन पे एंड होता है। अब नई लिस्ट आ चुकी है, देखिए ये है न्यू लिस्ट, ठीक है, ये कौन सी है, न्यू लिस्ट है, ठीक है। अब इस न्यू लिस्ट को अगर हम देखें तो इस न्यू लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे येलो वाला पॉइंट कि म्यांमार का दिया हुआ ये नाम है ताउते, दिस इज द प्रोनंसिएशन, ताउते के इज द साइलेंट, ठीक है। बांग्लादेश ने निसर्ग दिया था, ठीक है, इसको निसर्ग पढ़ा गया। इंडिया का दिया हुआ ये सारा नाम है, गति है, तेज है ना, मोरासू है और आग है, इतने सारे नाम दिए हुए इंडिया ने। तो ये हर बार क्या होता है, रिपीट होता है, जैसे ही एक कंट्री का नाम असाइन हो जाएगा फिर नेक्स्ट कंट्री का नाम आएगा, ठीक है, नेक्स्ट कंट्री का नाम आएगा। अभी आप लोग एक नाम सुन रहे हो, यास करके नाम सुन रहे हैं आप लोग, कंट्री का नाम सुन रहे हैं, तो ये यास हो गया। अब इसके बाद नंबर किसका आएगा, पाकिस्तान का आएगा, वो गुलाब उसने नाम दिया है। फिर किसका नाम आएगा, कतर का नाम आएगा, उसने शाहीन नाम दिया है। फिर अरब देगा नाम, जवाद। जब तक ये लिस्ट खत्म नहीं हो जाती तब तक ये नई लिस्ट नहीं शुरू होगी, और जब तक ये नहीं खत्म हो जाता तब तक ये नहीं शुरू होगा, और जब तक ये नहीं खत्म हो जाता तब तक ये नहीं शुरू होगा। जब ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा सिरा, जो कि यमन का दिया हुआ है, फिर एक नया लिस्ट बनेगा और उस नए लिस्ट में सभी कंट्री अपने अपने नाम सजेस्ट करेंगे। समझ रहे हो? अभी समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टूड नाउ, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेमिंग? बताओ मुझे, मैं फिर से बताऊं इसे, इसके पहले किसने दिया था, मालदीव ने दिया था, देखो निसर्ग, फिर इंडिया ने गति दिया, फिर ईरान ने निवार दिया, फिर मालदीव ने बुरेवी दिया, उसके बाद अभी हमारा ताउते चल रहा है म्यांमार का, फिर यमन का आएगा, फिर पाकिस्तान का, फिर कतर का, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन, फिर शुरू होगा किसका,
फिर से बांग्लादेश शुरू होगा, ठीक है, फिर से इंडिया, फिर इस तरीके से लिस्टिंग चलती रहेगी। और एक बार करके ये कब तक खत्म होगा? जैसे मान लीजिए अभी बे ऑफ बंगाल में यास की बात की जा रही कि यास आने वाला है, अगर फिर से बे ऑफ बंगाल में कोई और साइक्लोन आ गया तो उसका नाम क्या होगा? गुलाब होगा। इवन गाइस यू कैन डिस्कवर द अपकमिंग नेम ऑफ द साइक्लोन, अगला साइक्लोन क्या होगा आप बता सकते हो बिना न्यूज़पेपर पढ़े, विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड। कतर को आप बता सकते हो कि कतर का दिया हुआ अगला होगा। मान लीजिए अरेबियन सी में फिर से आ गया तब क्या होगा बताओगे? कि ये वाला नाम जवाद है, सऊदी अरब का दिया हुआ है। ये तब तक चलेगा जब तक कि इतने सारे साइक्लोन नहीं आ जाते। बाप रे इतने सारे साइक्लोन हैं, नाम पहले से ही रखे होते हैं? नहीं, ये नाम ऑलरेडी रखे हुए हैं, ये नाम ऑलरेडी रख दिए गए हैं कि अब अगला साइक्लोन जैसे ही आएगा उसका नाम ये हो जाएगा, फिर अगला साइक्लोन जैसे ही आएगा उसका नाम ये हो जाएगा, ये नामकरण पहले से ही किया हुआ है, ठीक है। अरे अम्फान नाम खत्म हो गया, वो लिस्ट खत्म हो गई, अब ये दूसरी लिस्ट चल रही है। यहां देखो अम्फान लिखा हुआ है, यहां देखो ये रहा अम्फान, ये देखो, ठीक है, थाईलैंड का दिया हुआ था अंतिम नाम था वो, अब ये दूसरी लिस्ट है। आया समझ में? WMO डिसाइड नहीं करता है, WMO नहीं, हमारा जो नॉर्थ इंडियन ओशन नेम है अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल के, ये डिसाइड करते हैं 13 कंट्री मिलकर के। और वो 13 कंट्री कौन कौन है? बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, अरब और यमन है। आई बात समझ में? अरे ये दोनों के लिए है यार, कब से बता रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, अजीब हो यार। देखो कब से बता रहा हूँ कि ये नेमिंग जो है ये अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल दोनों के लिए है। नॉर्थ इंडियन ओशन में क्या आता है, कैसे ज्योग्राफर हो यार आप लोग। चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, पसंद आया आज का क्लास, वीडियो जरूर लाइक करिएगा। और आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी मेरी बहुत सारी क्लासेस हो रही है दिन में 12 बजे, कल भी दिन में 12 बजे क्लास होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जिसको भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में नहीं पता है वो इस वीडियो को देख करके और नॉलेजेबल हो सकता है आपके एक शेयर करने से। तो जितना अधिक से अधिक इसे आप शेयर करेंगे उतने अधिक से अधिक लोगों तक एक सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, जो जानकारी के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडेज सेशन, बहुत अच्छा लगा है ना, काफी एंजॉय किया मैंने आज के क्लास को, आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये स्लाइड टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा कंप्लीट, ठीक है। सभी लोग टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ज्वाइन कर लीजिए, नहीं ज्वाइन करेंगे PDF स्लाइड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ। सो गाइज अप टू द नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।